ब्रांडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन प्रोडक्ट मेक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन ब्रांडिंग इज टू डिसाइड वेदर द फर्म्स प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड अंडर अ जेनरिक नेम और अ ब्रांड नेम जेनरिक नेम का मतलब होता है कैटेगरी और ब्रांड नेम का मतलब होता है एक स्पेसिफिक नाम जो आपने अपने ब्रांड को या आपने अपने प्रोडक्ट को दिया है लेट्स ए डिटर्जेंट या फिर लेट से सोप वो हो गया एक कैटेगरी का नाम एक जेनरिक नेम हो गया ब्रांड नेम क्या होगा लेट्स डिटोल लाइफ बॉय लक्स ये सब हो गए ब्रांड नेम तो ब्रांडिंग में सबसे पहला नाम क्या, काम क्या होता है हमारा कि हमको एक नाम सोचना है एक ऐसा नाम जिससे हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारा फॉर्म हमारी कंपनी जानी जाएगी उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड नेम अब ब्रांड इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो भी नाम होता है वो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है हमारे फॉर्म हमारा प्रोडक्ट किस चीज़ से जाना जाता है हमारे नाम से जाना जाता है इट कैन भी इन द फॉर्म ऑफ अ नेम एक नाम हो सकता है लेट से एडिडास नाम है सिम्बॉल लेट्स से जो नाइकी का टिक आता है वो नाइकी का सिम्बॉल है वो नाइकी का ब्रांड आइडेंटिफिकेशन है डिज़ाइन लेट्स से कोको कोला जो स्टाइल में लिखा हुआ आता है पेप्सी का जो पर्टिकुलर सिम्बॉल है जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है ये सब चीज़ें क्या हो गई एक ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन हो गई तो ब्रांड का मतलब सिर्फ ब्रांड नेम नहीं होता या फिर सिर्फ ब्रांड सिम्बॉल नहीं होता या फिर सिर्फ डिज़ाइन नहीं होता ब्रांड अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई हो सकती है ये सारे आइडेंटिफिकेशन के जो तरीके होते हैं वो हमारे ब्रांडिंग के अंडर में आते हैं द ब्रांडिंग इज नॉट ओनली डन टू आइडेंटिफाई द सेलर और द प्रोड्यूसर बट ऑल्सो टू मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर दैन योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट देखो ब्रांड का काम खाली ब्रांड आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है ब्रांड का काम होता है कॉम्पिटिटर के आगे अपने आप को सुपीरियर दिखाना डेटॉल किल्स नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट जर्म्स उसके आगे लाइफ बॉयल ने क्या किया लाभ लाइफ बॉय बोल ने बोला कि 99.9 परसेंट से ज्यादा तो मैं कुछ दे नहीं सकता तो लाइफ बॉयल ने क्या एडवर्टाइजमेंट निकाला बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या सिंपल क्या किया हमने हमने हमारे ब्रांड को दूसरे ब्रांड से सुपीरियर बता दिया कैसे किया विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग आर जब भी हम ब्रांड की बात करते हैं अभी तक मैंने बहुत सारे अलग अलग नाम ले लिए तो वॉट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी कंसिडर वेन वी टॉक अबाउट ब्रांडिंग ब्रांड ब्रांड नेम ब्रांड मार्क ट्रेडमार्क मार्क एक्सेट्रा ठीक है ब्रांड का क्या मतलब होता है जो पर्टिकुलर हम जो ब्रांडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं वो तो हो गया आपका पर्टिकुलर ब्रांड ब्रांड नेम का क्या मतलब होता है द नेम दैट यू हैव गिवन टू योर प्रोडक्ट और टू योर कंपनी लेट्स ए डेटॉल वो क्या है एक ब्रांड नेम है लाइफ बॉय ब्रांड नेम है कोलगेट एक ब्रांड नेम है कोको कोला पेप्सी ये सब एक ब्रांड नेम है ब्रांड मार्क क्या होता है जैसे पेप्सी का जो एक सिंबल है वो पेप्सी का ब्रांड मार्क हो गया ठीक है नाइकी का जो टिक है जो सिंबल है वो उस कंपनी का ब्रांड मार्क हो गया और ट्रेड मार्क क्या होता है नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड मार्क मतलब होता है कि आपने अपने पर्टिकुलर सिंबल के ऊपर रजिस्ट्री या फिर कॉपीराइट ले रखी है दैट नो वन एल्स कैन यूज योर ब्रांडमार्क ट्रेड मार्क का क्या मतलब हो गया कि आपने एक पर्टिकुलर प्रोटेक्शन ले लिया आपके ब्रांड मार्क के लिए पेप्सी का सिंबल कोई कॉपी नहीं कर सकता ठीक है सो दैट इज ट्रेड मार्क